दोस्तों जैसा कि देख सकते हो आप, ये गंगा महादेव जी की वीडियो है, जहाँ की देव स्थान है। यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे दोस्तों मैं दर्शन के लिए आया था। तो यहाँ पे कुछ एक वीडियो जो शूट हुई है, जो कि सांप के ऊपर, जो सपेरे लोग जो रहते हैं अधिकतर सांपों को लेकर बैठ जाते हैं ताकि उन पर कुछ पैसा वगैरह मिल सके। तो ऐसा ही कुछ एक वीडियो है जो कि आपको मैं भी जस्ट दिखाऊँगा, जहाँ तक कि आप यहाँ पर भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पे मेला वगैरह भी था, तो दोस्तों मेले के हिसाब से काफ़ी लोग का आना और देखना और दर्शन के लिए भावना जो लेके आते हैं, दर्शन किए करते हैं भगवान के, तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हो फ्रेंड, जो कि यहाँ पे एक सपेरा है जो सांप को लेके बैठा है, जो कि एक बेबी कोबरा सांप होता है, जो कि जहरीला सांप होता है। हालाँकि अब देखना दोस्तों हमें ये है कि जो सपेरे जो लोग रहते हैं वो अक्सर सांपों के दांत तोड़ देते हैं और सांप को लेके बैठ जाते हैं ताकि कुछ पैसे वगैरह कमा सकते हैं। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, अब देख के एक ही अंदाज़ा लगाइए कि इसने कितने पैसे कमा लिए। कोई 100 रुपये चढ़ा के जाता है तो कोई 500 रुपये चढ़ा के जाता है। तो दोस्तों मैंने 15 मिनट तक दोस्तों देखा था ये तमाशा, मुझे किसी का सपोर्ट है नहीं और दोस्तों मैं खुद अपने खुद के लिए काम करता हूँ ताकि लोगों की जान बच सके और किसी को हानि ना पहुँच सके। और दोस्तों यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं जिसकी मैं मदद लेके इस सांप को छुड़वा सकता हूँ। और दोस्तों मैं किसी से उलझना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने इनसे पूछा था कि सांप को छोड़ दीजिए, बाकी इन्होंने मना बोल दिया कि सांप को हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसे खिलाते भोजन वगैरह कराते। इस बीच में दोस्तों मैंने कुछ बोला नहीं हूँ, मेरा काम है सिर्फ जो लोगों के घर में जहाँ की सांप आते हैं वहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू कर मैं जंगल में रिलीज करना। और दोस्तों मैं एक आम इंसान हूँ, मैं अपने खुद के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों प्रशासन एवं वन विभाग को देखना चाहिए, मैंने उनसे कांटेक्ट कर दिया था कि सर यहाँ पे एक सपेरा सांप को लेके बैठा, तो सर का कहना था कि हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है और देख लेगी। दोस्तों उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई थी और मैं वहाँ से निकल गया था। तो मैं इस वीडियो में यही दिखा रहा हूँ कि जो ये बंदा जो सामने जस्ट मेरे बैठा है, ये तिरला का बंदा है और रहने वाला कहाँ का इतना एड्रेस दिया नहीं उसने, क्योंकि मेरी वीडियो शूट हो रही थी इसके हिसाब से उसको कुछ समझ गया था, तो उसने ज़्यादा बहस नहीं करी, उसने मास्क को ढक लिया था तो समझ गया था कुछ वीडियो बना रहे। तो दोस्तों अगर ऐसे सपेरे लोग कहीं पे अगर आपको दिखते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या अपने 100 नंबर को आप कॉल करके सूचना दीजिएगा। दोस्तों इसके साथ बात तो बहुत सारी है, अगर हमें कोई सपोर्ट करने वाला होता तो मैं उन्हें ज़रूर बताता, बाकी जो ना समझे उनको क्या बताऊँ। काफ़ी सारी वीडियो बना के रखी हुई है सांप के ऊपर कि कौन सा सांप जहरीला होता है, किस कितने काटने पे बचाया जाता है और कितने काटने पर नहीं बचाया जाता है दोस्तों, बता के रखा हुआ है। फिर भी आज अंधविश्वास के कारण कुछ ऐसी ही बातें हैं जिसका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हो सकते कहीं पर जाके इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, जिस तरह से देख सकते हो एक बेजुबान जानवर, जो कि आप लोग मुझे जानते हो स्नेक रेस्क्यूअर, हर एक स्नेक रेस्क्यूअर जो होता है वो सांपों को बचाना अधिकतर जानता है कि सांप को किसी भी तरह से बचाने का कार्य करे। कार्य क्यों किया जाता है? ताकि वो जहरीली प्रजाति होती है, हालाँकि जहरीली प्रजाति तो 30% है, 70% नॉन वेनमस सांप होता है कि बिना जहर वाले। अधिकतर पाए जाने वाले सांप गिनती के 2-4 सांप होते हैं, जो कि कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और कोबरा सांप, कुछ इसी प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। और नॉन वेनमस सांप में बहुत सारे सांपों की प्रजाति आती है। और जैसा कि आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, जिस तरह आप वीडियो देख सकते हो, जो कि धार से 20 किलोमीटर पीछे है, जो कि गंगा महादेव करके मंदिर है, जहाँ के हम दर्शन के लिए दोस्तों मैं गया था वहाँ पे। दोस्तों वैसे ही मैंने उस सांप को छुड़ाने की बहुत सारी कोशिश की थी, पर वो लोग काफ़ी गुस्से में आ गया था। और दोस्तों जहाँ की मैं अकेले थे और जो मेरे साथी थे वो छोटे छोटे बच्चे थे जो मेरे काम में नहीं आए। और दोस्तों जैसा कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि वन विभाग को भी कांटेक्ट किया था, तो सर ने बोला हमारी टीम पहुंचती है, और मेरी जैसे वन विभाग की टीम से बात हो गई थी, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जाके वहाँ पे देखते हैं, जो कि सांप को छू छू के जा रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ कर जा रहे हैं, तो कितना अंधविश्वास है। दोस्तों वो लोग ये नहीं जानते, ठीक है हम जानते हैं कि मानव प्रजाति में सांपों के बारे में अधिकतर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो दोस्तों भारत में हर एक स्नेक सेवर होता है जो कि सांप के बारे में जानकारी देना उचित समझता है और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि झाड़ फूँक
तांती वगैरह के चक्कर में भी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे ही मैंने इसके सामने वीडियो दोस्तों बनानी शुरू की, इसने वैसे ही दोस्तों मुंह पे मास्क लगा लिया ताकि देख सकते हैं। और जो ये बंदा है दोस्तों, ये तिरला का बंदा बताया जा रहा है। अगर उसको कुछ हो सके तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस पर अगर कार्रवाई होगी, अगर मेरे से कुछ पूछा जाएगा तो मैं ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया था। तो दोस्तों इस तरह से जो सपेरे लोग जो सांप लेके आते हैं तो दोस्तों कहीं पे भी दिखिए, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप उनकी वीडियो बना के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दीजिए, या तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट, या तो अपने 100 नंबर नज़दीकी 100 नंबर को आप कॉल करके सूचना दीजिए। तो वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे महादेव, तो वहाँ पे सांप लेके बैठे, और देख सकते हो लोगों की भावना है किस तरह सांपों के बारे में फूल वगैरह और पैसे वगैरह चढ़ाया जा रहा है। तो लोगों की अंधविश्वास के कारण दोस्तों, मिथक बातों के कारण आज भारत में बहुत सारे लोग ऐसे जागरूक की नहीं होना चाहते हैं। और दोस्तों हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दोस्तों कि ये करो वो करो, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, जो जो सांप के बारे में जानता है वही वही समझ पाते हैं, और सोचते हैं कि जो समझना चाहता है वो समझ सकते हैं। और दोस्तों हम चाहते हैं कि लोगों को और भी जागरूक करना चाहते हैं, अगर जिन जिन की बातों अगर समझ में आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों ये भाई साहब तिरला के रहने वाले, इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बेजुबान जानवरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करें। आज आपकी वीडियो अगर कल फिर अगर सामने आओगी इसी तरह से लेके, तो कल आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हो सकता है इस सपेरों को इस पर कार्रवाई भी हो सके, ताकि अगली बार कहीं सांप को लेके बैठना ही भूल जाए। तो आपसे दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने धार जिले में जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।